शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर महानगर पालिका में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे चर्चा में है। पहले स्मार्ट सिटी के कामकाज के घोटाला, फिर लोक प्रतिनिधि को विश्वास में ना लेना, ऐसे कई आरोप मुंडे पर लगाए गए। इसके साथ अब महिला के साथ किए व्यवहार पर महिला आयोग ने मुंडे को नोटिस दी है। अब मुंडे को लेकर महिला आयोग में रोष दिखाई दिया है। मंगलवार को भी कुछ संस्था आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के आगे आंदोलन सफल नहीं हुआ। मगर बुधवार को भाजपा के महिला सेल ने उपमहापौर मनीषा कोठे की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सामने काली फीत लगाकर ठिया आंदोलन किया। इस आंदोलन में कोरोना के सभी नियम पाले गए। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुई थी। स्मार्ट सिटी की सेक्रेटरी भानुप्रिया ठाकुर, ये प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट रहने के बाद महिलाओं को शासन की ओर से 6 महीने की छुट्टी लागू होती है। वो उसकी उसने रजा डाली। रजा डालने के बाद डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद तुरंत आयुक्त तुकाराम मुंडे इनको जॉइंट होने के लिए बोला। ये एक छोटा बच्चा रहने के बाद, उसका छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रहने के बाद उसको तुरंत ज्वाइन करना, ये एक तो गलती है उनकी। उनको समझना चाहिए कि 6 महीने की रजा होने के बाद महिलाओं को तुरंत ज्वाइन करना। एक माँ बेटे को दूध पिलाती है, वैसा वो बेटा है, उसका बेटा उसके उसके पास नहीं है। वो तुमसर में है, वो यहाँ पे है। हमारी मांगनी एक ही है कि तुकाराम मुंडे ने महिलाओं का अपमान किया है। भानुप्रिया ठाकुर की उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हमारा ये निषेध जो है, निषेध शुरू रहेगा।